आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना काम शुरू तो कर दिया है, मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं और विभाग बांटने के साथ साथ मंत्री अपनी कुर्सी पर काबिज होकर विभागों की जानकारी लेने लगे ही थे कि आज पहले ही दिन उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना हो गई। दरअसल सरकार को आज एक बार फिर से नकल माफियाओं ने चुनौती दे दी। इंटर की आज जो यूपी बोर्ड की अंग्रेजी की परीक्षा का पेपर था वो पेपर लीक हो गया और पेपर लीक होने के बाद करीब 24 ऐसे प्रमुख जिले थे उत्तर प्रदेश के जहां पर इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा 51 जिलों में इस चीज को बताया गया, इस बात को बताया गया कि 51 जिले ऐसे हैं जहां पर पेपर का वो सेट नहीं पहुंचा है, इस वजह से वो परीक्षाएं स्थगित नहीं होंगी। लेकिन 24 ऐसे प्रमुख जिले हैं जहां पर इन परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर दी गई। अब मामला क्या था वो भी पूरा मैं आपको बता देता हूं। दरअसल आज सुबह का ही मामला है कि सीएम ऑफिस में एक जानकारी आई कि आज जो यूपी बोर्ड का अंग्रेजी का परीक्षा होना, अंग्रेजी की जो परीक्षा होनी है उसका जो पेपर है, उस पेपर का सेट अगर हम बताएं तो 316 ईडी और 316 ईआई, ये परीक्षा का जो सेट है ये करीब 24 जिलों में भेजा जाना था और परीक्षा शुरू होने से पहले ही ये जो सेट था ये कहीं ना कहीं वायरल होते हुए नजर आया। और जब ये वायरल हुआ तो उसकी जो जानकारी थी वो सीएम ऑफिस तक पहुंची और सीएम ऑफिस में जब इसकी जानकारी पहुंची तो अधिकारियों ने ये पूरा मामला जो है ये मुख्यमंत्री के सामने रखा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर दिखाते हुए ये कहा कि 24 जिले जहां पर ये पेपर पहुंचा है उन जिलों में इस अंग्रेजी के पेपर को आज के लिए स्थगित कर दिया जाए। नई तारीख का ऐलान हो गया है, 13 अप्रैल को परीक्षा होगी लेकिन आज के लिए इस परीक्षा को उन 24 जिलों में स्थगित कर दिया गया जिसमें आपका बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर और गोरखपुर। यानी उत्तर प्रदेश के पश्चिम के भी जिले हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व के भी जिले हैं जहां पर ये परीक्षा पत्र का जो सेट था 316 ईडी और 316 ईआई अंग्रेजी का ये प्रश्न पत्र इन जिलों में पहुंचा था और वहां से ये खबर निकल के सामने आई कि सेंटरों के आसपास कुछ लोग इस पेपर को आदान प्रदान बेचते हुए नजर आए हैं और उसी की शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए इस पेपर को आज के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन ये अपने में बड़ा वाकया है क्योंकि सरकार अभी काम करने के महज शुरुआत में ही है, एक दिन हुआ है विभागों ने अपने अपने मंत्रियों को पाया है और मंत्रियों ने विभाग में काम करना शुरू किया है, लेखा जोखा तैयार करवाना शुरू किया है, पूछना शुरू किया है कि कैसे सब कुछ हो रहा है और उसी बीच नकल माफियाओं ने सरकार को एक बड़ी सलामी दे दी है एक बार फिर से पेपर लीक करके। और इस बार का जो पेपर लीक हुआ है वो यूपी बोर्ड का पेपर हुआ है। करीब 10 से 12 लाख परीक्षार्थी आज इस पेपर को देने वाले थे इन 24 जिलों में लेकिन परीक्षा स्थगित होने की वजह से ये सब कहीं ना कहीं अब समस्याओं के बीच में आ गए हैं क्योंकि जो तैयारियां थीं, जिस तरह से बच्चे तैयार होकर के परीक्षा देने आए थे वो मायूस होकर अपने घरों की तरफ लौटे हैं, रोते बिलखते लौटे हैं और सबके मन में ये दुख था कि हम जिस तैयारी के साथ, जिस उल्लास के साथ आए थे उस उल्लास में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खलल पड़ गया है। लेकिन यहाँ पर खामियां किसकी थी, कमियां किसकी थी जो इस तरह की घटना लगातार उत्तर प्रदेश में होती जा रही, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर अब यूपी बोर्ड के एग्जाम की बात कर ली जाए। इसके पहले भी यूपी बोर्ड के कुछ पेपर ऐसे हुए थे, 2017 का मामला है, निकलकर सामने आया है कि वहां पर भी संस्कृत का पेपर आउट हो गया था। लेकिन इस वक्त की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड के परीक्षाओं को बेहतर और साफ सुथरी तरीके से कराने के लिए, नकल विहीन कराने के लिए राजधानी लखनऊ में एक पूरा का पूरा सेंटर बनाया गया था जहां से सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नजर रखी जा रही थी, निगरानी बनाई गई थी कि इन परीक्षाओं को साफ सुथरी तरीके से नकल विहीन करवाया जाएगा। पूरी पूरी टीमें बैठी थी, बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी थी, सीसीटीवी कैमरा लगा था और उसके बाद पेपर लीक हो गया। कैमरे, सीसीटीवी, पूरी टीम, उड़न दस्ते, इन सबके बीच में आखिर वो लोग कहां से आए और पेपर को
निकाल करके लोगों तक पहुंचा करके इस पेपर का सत्यानाश कर दिया और सरकार के सामने एक बार फिर से चुनौती खड़ी कर दी, जैसा कि पिछले 5 साल में देखने को मिला है। पिछले 5 साल में कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो पेपर्स थे वो लीक हुए हैं और अभी तक कुछ पर कार्रवाई हुई है, कुछ अभी भी कार्रवाई से काफी दूर है। फिलहाल आज जिस तरह से ये वाक्या घटा है तो उसके बाद इस पूरे मामले की जांच के लिए एसीएस होम की तरफ से आदेश दिया गया है सभी डीएम और एसएसपीस को कि इस पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट 24 घंटे में सौंपी जाए। एसटीएफ को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है कि एसटीएफ इस पूरे मामले की निगरानी करे। बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है जहां ये पेपर छपे थे, और इसके अलावा ये पेपर स्कूल तक पहुंचाने वाले जो लोग थे उनके ऊपर भी नकेल कसी गई है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, हिरासत में लिया गया है। लेकिन ये तो बाद की प्रक्रिया है, आखिर इतनी तैयारियों के बाद ये परीक्षा के पेपर जो है वो लीक कैसे हो जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। अगर नजर डाली जाए कि अब तक कौन कौन से वो पेपर हैं जो पिछले 5 साल से लेकर अब तक लीक हुए हैं तो इसकी भी लिस्ट जो है वो काफी लंबी है, क्योंकि अब आने वाले 5 सालों में कई सारे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उत्तर प्रदेश में होंगे, कई सारे बोर्ड के एग्जाम उत्तर प्रदेश में होंगे और सरकार के सामने चुनौतियां एक बार फिर से बड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 5 साल बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी रिपीट करती है और कार्यकाल शुरू होने से महज 1 से 2 दिन पहले ही इतना बड़ा कांड, यूपी बोर्ड की परीक्षा का पेपर, अंग्रेजी का पेपर 24 जिलों में लीक हो जाता है। सवाल यहां पर यह भी है कि जिन 51 जिलों में ये परीक्षाएं आज हुई हैं, क्या सबूत है कि वहां पर पेपर लीक नहीं हुए हैं? वहां पर अगर पेपर कराए गए तो किस तरह से कराए गए, और अगर पेपर रद्द किए गए तो ये जो सीरीज बताई गई है, जो सीरीज निकलकर सामने आई थी जिसमें 316 ईडी और 316 ईआई है, क्या सिर्फ इन्हीं 24 जिलों में भेजे गए थे या इनसे मिलते जुलते पेपर किसी अन्य जिलों में भी भेजे गए थे? वहां पर किस तरह से निगरानी बनाई गई और क्या जांच पड़ताल की जा रही है, ये जांच का विषय है। इस पर एसटीएफ लगी हुई है, टीमें लगी हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का अमला लगा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7:30 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय पर बैठक भी बुलाई है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग सभी अधिकारियों से पूछताछ होगी, और जिन जिन जिलों में ये घटना घटी है, जहां 24 जिलों में ये परीक्षाएं रद्द करी गई हैं, वहां के अधिकारियों से भी पूछताछ करी जाएगी, विभाग के मंत्रियों से पूछताछ की जाएगी, अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी कि इतना हु हल्ला, इतनी निगरानी, इतना सीसीटीवी, इतना उड़नदस्ता करने के बाद भी आखिर ये परीक्षा के पेपर अगर रद्द हुए हैं तो जिम्मेदारी कौन लेता है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। जुलाई 2017 में दरोगा भर्ती का पेपर भी लीक हुआ था, मई 2018 में ग्राम विकास अधिकारी का पेपर लीक हुआ था, फरवरी 2018 में यूपीपीसीएल का पेपर लीक हुआ था, जुलाई 2018 में यूपी SSSC का पेपर लीक हुआ था, सितंबर 2018 में नलकूप चालक का, अगस्त 2021 में पीईटी का और नवंबर 2021 में टीईटी का पेपर जो है वो लीक हुआ था। तो ये प्रक्रिया काफी लंबे समय से लगातार चली आ रही है। फिलहाल बलिया के DIOS हैं ब्रजेश मिश्रा, उन्हें निलंबित किया गया है इस पूरे मामले में, और बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ में 2017 में भी कुछ इसी तरह की घटना हुई थी जहां पर परीक्षाओं के पेपर जो थे वो 500-500 रुपए में बेचे जा रहे थे, और उस दौरान प्रतापगढ़ में भी DIOS ब्रजेश मिश्रा ही थे। तो जब इतनी बड़ी घटना उनके रहते हो गई थी, उसके बावजूद इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई थी, ये सारे सवाल है। फिलहाल कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस चर्चा को शुरू करूंगा, क्योंकि ये चर्चा आने वाले भविष्य के लिए है और उनके भविष्य के लिए है जो उत्तर प्रदेश में अपना भविष्य तलाश रहे। इसकी जांच की जा रही है और जांच में जो भी फंसेगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आप पता चलने दें तभी तो, इसकी जांच बता दी जाएगी आपको, जिसको भी दी जाएगी हम बता देंगे आपको, वो सब बता दिया जाएगा आपको, थोड़ा मौका दीजिए। हम बलिया में हम लोग को सूचना मिली कि कुछ जो ऐतिहासिक जैसे अव्यवस्था ना हो और हमारी इम्तहान परीक्षा की स्वच्छता और पवित्रता बनी रहे, हम लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज जो अन्य जनपदों में रही है, 24 ऐसे जनपद हैं उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया। उस सीरीज के प्रश्न पत्र जहाँ जहाँ गए थे, ऐसे 24 जिलों में द्वितीय पारी की परीक्षा शासन में के शीर्ष स्तर से इसको निरस्त किया गया है, और बलिया के अतिरिक्त एसटीएफ को भी लगाया गया है कि किन परिस्थितियों में ये पर्चे लीक हुए हैं और कहाँ से ये लीक हुए हैं, किसकी मिलीभगत से
हुए हैं, वह निर्देशित किया गया है कि इसमें सभी पहलुओं को जांच करते हुए जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें। जिस सरकार में डिग्री के सवालों पे चार मीनार खड़ी हो, वहाँ छात्रों का दर्द कौन समझेगा? उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार शिक्षा माफियाओं के सामने नतमस्तक। भाजपा के अक्षम नेतृत्व की वजह से आज नौजवानों का भविष्य खतरे में है। 24 से ज्यादा जनपदों में आज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पेपर लीक हो गए। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 17 से ज्यादा नौकरियों के पेपर लीक हो गए। प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है मुख्यमंत्री जी कि आपकी अक्षमता को कब तक आखिर नौजवानों पर जुल्म और अत्याचार होगा। इस घटना की जांच होनी चाहिए। सत्ता पक्ष से जुड़े जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नई सरकार को जनता ने जनादेश दिया लेकिन सरकार पुनः अपनी अक्षमताएं दिखाना शुरू कर चुकी है। तो इस प्रमुख मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान है वो सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं और फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। दिवाकर सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा शरीफ हाशमी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, डीपी यादव हमारे साथ प्रसपा से जुड़े हुए हैं, प्रीतपाल सिंह साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और जनता संघर्ष मोर्चा से सुभाष यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शरीफ भाई आपके पास आना चाहूँगा और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना काम करना अभी शुरू ही किया है, 1 से 2 दिन हुआ है, विभागों को उनके मंत्री मिले हैं, लेकिन उसके बीच में ही शुरुआत ही में इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हो गई और जो समस्याएं बीते 5 साल से हो रही थी वो एक बार फिर से हुई। इस बार हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं था लेकिन वो एग्जाम था जो उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा का पेपर लीक हो जाना आप किस नजर से देखते हैं, वो भी उस दौरान जब उत्तर प्रदेश सरकार अपना काम करना शुरू कर रही थी? नितिन जी, सरकार रिपीट हुई है लेकिन लोग नहीं बदले हैं। मुखिया वही हैं, सत्ता में जितने लोग काबिज हैं वो वही हैं, अधिकारी भी लगभग वही हैं, तो इनको आदत सी पड़ गई है। ये पहला पेपर तो लीक हुआ नहीं उत्तर प्रदेश में 17 से अब तक 22 तक 5 सालों में सैकड़ों पेपर लीक हुए। तो ये बेखौफ हैं, जो नकल माफिया हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में हैं और ये बेखौफ हैं, इसीलिए उन्होंने सरकार बनते ही अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। जो सैया हुए कतवाल तो डर कहेगा वाला हाल है। अगर यही सत्ता बदलती, या मैं कहता हूँ सत्ता वही आती या लोग बदलते तो शायद कुछ असर होता। जब सब वही है तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कुछ नया होगा। वो इस तरह के आदी हो चुके हैं, उन्हें ये काम करते रहना है। और मुझे लगता है अगर सरकार नहीं चेतती है तो आने वाले 5 सालों में इससे भी बुरा असर इन परीक्षाओं को हो जाएगा, चाहे कम्पिटिटिव परीक्षाएं हों चाहे यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हों, इस तरह की कई परीक्षाओं पर ऐसा असर पड़ेगा जिससे देश के प्रदेश के नौजवानों का भविष्य बर्बाद होगा। अच्छा, कोशिश सरकार की बहुत रही क्योंकि इसके पहले आप भी बता रहे हैं और डाटा भी हमारे पास मौजूद है कि कौन कौन सी परीक्षाएं जो हैं वो रद्द हुई हैं, पेपर लीक होने की वजह से कार्रवाई भी की गई है, एसटीएफ लग जाती है, इस बार भी पूरा सेंटर बनाया गया था, कैमरे लगे थे, टीवी लगा था, सब कुछ लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक और मामला है कि एक अधिकारी डीआईओएस है बलिया के, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है और जब वो प्रतापगढ़ में 5 साल पहले डीआईओएस थे, 2017 की बात है, तब भी वहां पर इसी तरह की घटना हुई थी। तो इस तरह के अधिकारियों को जिम्मेदारी देना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है पूरे विभाग से लेकर सब जगह। अच्छा अभी बताइए, जब बिल्ली को ही दूध की रखवाली के लिए बिठा देंगे तो दूध बचेगा क्या? सीधी सी बात जान लीजिए कि आप उस शख्स को जान रहे हैं, उसके पीछे का बैकग्राउंड जान चुके हैं कि उसके रहते क्या हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि उस आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है इस मामले को लेकर, उसको सुधारना चाहिए ताकि आगे चलकर उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना होने पाए। ठीक है, प्रीतपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से। प्रीतपाल जी, आज एक बड़ा वाक्या हो गया उत्तर प्रदेश में, सरकार अपना काम करना शुरू ही कर रही थी कि एक बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हुई है और यूपी बोर्ड का एक महत्वपूर्ण पेपर अंग्रेजी का लीक हो गया। सबसे पहले तो 24 जिलों में जहां जहां ये पेपर लीक हुआ था वहां पर परीक्षा को स्थगित कर दिया गया, 13 अप्रैल नई तारीख बता दी गई है, बाकी 51 जिलों में ये पेपर करवाया गया है। सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार ये घटना पेपर लीक वाली उत्तर प्रदेश में बदस्तूर जारी है, कितने भी वायदे और दावे करे जा रहे हैं उसके बावजूद, आखिर कैसे इसे रोका जाए, क्या तरीका हो सकता है?
सरकार वही है, वही 2017 से बैठी हुई सरकार है, आज भी वही सरकार है, वही ट्रेन है, वही ड्राइवर हैं, वही गार्ड हैं, वही सब इनके मंत्री हैं। पिछली सरकार में भी ये कारनामे इनके सामने आते रहे, आज की सरकार में भी ये शुरुआती दौर पे ही, आज शुरुआती दौर है, अभी दो दिन पहले मंत्रालय बटे हैं, दो दिन मंत्रालय बटने के बाद आज ये स्थिति हो गई है कि जो रोना रोया जा रहा है वो अधिकारियों के ऊपर रोया जा रहा है। देखिए अब जनता जो है वो अब ये सब कुछ नहीं जानती, जो हमारे बच्चे हैं जो रात दिन पढ़कर रात रात भर वो पढ़कर उसके माता पिता उनके साथ बैठे रहते हैं कि बच्चा हमारा अच्छा पढ़े, पढ़ने के बाद ये पढ़ाई पास कर ले ताकि आगे कंपटीशन कर पाए किसी और चीजों, किसी और क्षेत्र की हो जाना चाहे वो जा सकता हो। 13 अप्रैल का आपने डेट दे दी, जो बुधवार को पर्चा होने वाला था उसमें उन बच्चों की क्या गलती है? क्या योगी आदित्यनाथ जी जो इसमें लिप्त व्यक्ति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर उसकी संपत्ति को पूर्क करने वाले हैं? इसमें क्या वो जिस व्यक्ति का आपने नाम बताया DRO, जो आपने बताया जो 2017 में भी पर्चा लीक में उसका नाम आया था, आज उसी व्यक्ति को फिर उसी पर पर्चा फाड़ दिया गया है? 5 साल पहले उसने जो कृत किया, क्या 5 साल बाद उसने ऐसा काम कर दिया जिसको फिर वो जिम्मेवारी दे दी गई? भारतीय जनता पार्टी अक्षमता में नंबर वन हो गई है, लोगों को भटकाकर, लोगों से वोट प्राप्त कर सत्ता पर बैठने का ही इनके पास सारी बातें हैं। आज हम पंजाब में काबिज हुए, पंजाब में भी हमको सब विसंगतियां हमको देखनी पड़ रही है, मगर हम वहां पर डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं, एक्शन मोड पे आ गए हैं। हमने जैसे देखा कि एक व्यक्ति रजिस्ट्री कराने आ रहा है, उससे 4.5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, तुरंत हमने उस अधिकारी को निलंबित कर दिया, नौकरी से बर्खास्त कर दिया उससे। जब तक इस तरह के एक्शन ये सरकार में बैठी हुई योगी आदित्यनाथ जी नहीं करेंगे तो ये 2017 का फिर पुनरावृत्ति आपको इन 5 सालों में दिखेंगे। ये पहला पेपर था जो लीक हुआ, अभी कई ऐसे पेपर आएंगे जो बच्चे अपने घर बार को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर लखनऊ जैसे शहरों में, कानपुर जैसे शहरों में, मुजफ्फरपुर जैसे, यानी कहां कहां वो बैठकर पढ़ाइयां अपनी कर रहे हैं कंपटीशन देने के लिए, उनको भी अब डर बैठ चुका है, सरकार के अंदर उनको विश्वास नहीं रहा। उनको एक भी आप 2017-2022 के बीच में एक भी इन्होंने जो परीक्षाएं ली है वो लीक ना हुई हो या लीक होने के बाद वो कोर्ट के पास ना गई हो, कोई भी एक भी इनके पास एग्जाम्पल नहीं बचा। तो नितिन जी ये सरकार जो है मेरे हिसाब से 0 नंबर पे चल रही है, ये अगले 5 साल तक 0 नंबर पे चलेगी। हम एक विपक्ष हैं, हम इनको जगाने का काम करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये कैसे हो रहा, क्यों हो रहा है, आपके नाक के नीचे हो रहा है, इसको देखिए, उसको संभालिए। ठीक है, DP यादव हमारे साथ बसपा से जुड़े हुए हैं। DP भाई, सरकार ने काम करना शुरू ही किया था, आप लोगों ने भी बता दिया था कि इस बार सरकार को बहुत अच्छे तरीके से उनकी मनमानी करने नहीं देंगे, और एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में आ गया पहले ही दिन, एक यूपी बोर्ड जो जिससे लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा रहता है उसके परीक्षा का पेपर लीक हो गया, वो भी उस दौरान जब सरकार ने इतनी व्यवस्थाएं कर रखी थी, नकल विहीन परीक्षा कराने के दावे किए गए थे, ये बताया था कि हमने CCTV कैमरा, LED TV सब कुछ लगा रखा है, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई आया वो पेपर लेकर चला गया। जी नितिन जी, देखिए ये तो सरकार का अभी आगाज है, अंजाम क्या होता है, 5 साल सरकार क्या करती है आपको शुरुआत में ही पता चल गया है। और हमने ये शुरू से ही कहा है कि शुरू से ही मतलब हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और जहां जहां भी सरकार की कमियां होंगी हम उसको उजागर करने का काम करेंगे। आप देखिए जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा होती है ये विद्यार्थियों के जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, इसी के बाद से वो कॉलेज लाइफ में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से उनका सामना होता है। और शुरुआत में ही अगर उनको इस प्रकार के अनुभव से सामना होगा, पेपर लीक होगा, उनको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, उनके तैयारियों पर पानी फिर जाएगा, तो उनके मन मस्तिष्क पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो क्या सोचेंगे। पिछले जो 5 साल का कार्यकाल रहा योगी सरकार का उसमें आप देखेंगे किस प्रकार से 2017 में पुलिस भर्ती पेपर लीक आउट हुआ था, 2018 में UPPCL की जो परीक्षा हुई थी वो किस प्रकार से आउट हुई थी, उसके बाद से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा थी वो आउट हुई थी, आप देखिए किस प्रकार से ग्राम विकास अधिकारी का पेपर आउट हुआ था, नलकूप चालक का पेपर आउट हुआ था, तमाम तरह के पेपर आउट हुए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो ये एक गिरोह है ये पेपर आउट करने वालों का,
उनका मनोबल बड़ा हो जाता है जब आप कार्रवाई नहीं करेंगे और किसी प्रकार से आप छोटे मोटे लोगों पर, छोटे मोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके अपने जो है उसकी इतिश्री कर लेंगे। तो जब तक आप बड़े जो मछलियां हैं, जो इसके मगरमच्छ हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, इस प्रकार का काम रुकने वाला नहीं है। और इनका मनोबल योगी सरकार दो में भी कहीं नहीं जारी रहेगा, ये पेपर आउट करते रहेंगे। नितिन जी ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से हैं। सुभाष जी, क्या ये पॉसिबल है कि बिना किसी की संलिप्तता से प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छप किया, फिर कुछ लोगों ने पेपर जो सेंटर है वहां तक पहुंचा दिया और उसके बीच में पेपर आउट हो गया, वो भी बिना उनकी संलिप्तता से जिनकी, जिनको ये सारी जिम्मेदारी दी गई है, अधिकारियों की संलिप्तता हो सकती है इस पूरे मामले में? नितिन जी बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं तो मुझे हंसी भी आ रही है लेकिन बोलना पड़ रहा है कि जिस तरीके से बच्चों के डायपर लीक होते हैं ना, उससे अधिक अत्यधिक गति तेजी से ये लोग पेपर लीक कर रहे हैं। 2017 से लेकर 2022 तक, 2021 के अंदर जो पेपर लीक हुए थे वो तो हुए थे, 2022 की शुरुआत के अंदर भी पेपर लीक हो गए। रही बात अधिकारियों की और उसके मातहत कर्मचारियों की, जो काम करने वाले जो उसके अंदर मिली भगत है, बिल्कुल ये जाहिर सी बात है क्योंकि कोई भी छोटा कर्मचारी जब तक उसको किसी सत्ता पक्ष के अधिकारी का या सत्ता पक्ष के किसी मंत्री का या किसी बड़े नेता का संरक्षण प्राप्त नहीं होता तब तक वो सब चीजें कर नहीं सकता, क्योंकि जो भी चीजें होती है एक तरह से एक प्रक्रिया के तहत होती है। तो अगर इस प्रक्रिया को कोई नजरअंदाज कर रहा है या उसको लीक करने का प्रयास कर रहा है तो सिर्फ वो छोटे स्तर के जो कर्मचारी होते हैं वो ही सिर्फ इसके अंदर जिम्मेदार नहीं है, ये कहीं ना कहीं बड़ी मछलियां भी इसके अंदर जिम्मेदार हैं। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और योगी जी ने बोला, शिक्षा मंत्री ने बोला है कि 13 अप्रैल को फिर से एग्जाम होंगे, इसकी क्या गारंटी है कि 13 अप्रैल को पेपर लीक नहीं होंगे? क्योंकि जिस तरीके से अच्छा गारंटी तो इसकी भी नहीं कि जिन 51 जिलों में पेपर आज कराया गया है वहां पर भी पेपर सही था या नहीं सही था, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जी जी नितिन जी बिल्कुल, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं। हो सकता है, हो सकता है आज यानी तो कल के अंदर ऐसे कोई बात आ जाए, ऐसे कोई समाचार मिल जाए कि भाई वहां के भी पेपर कहीं ना कहीं से लीक हो गए, उन परीक्षाओं को भी रद्द करना पड़े, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक ये चीज हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में पेपर लीक हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश की जो भविष्य है, जो हमारे नौजवान उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार खिलवाड़ कर रही है, उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से किसान का बच्चा होता है या छोटे मोटे नौकरी पेशे का जो बच्चा होता है अपने परिवार का पेट पाल पाल के काट काट के उस बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजता है, उनको तैयारी कराने के लिए, कोई इलाहाबाद तैयारी कर रहा है, कोई लखनऊ तैयारी कर रहा है, कोई कहीं तैयारी कर रहा है, तो जब वो तैयारी करके प्रवेशात्मक परीक्षा के अंदर आता है, कंपटीशन की परीक्षा के अंदर भाग लेता है पूरी मेहनत के साथ में, और अचानक ही उसे पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया, तो कहीं ना कहीं उसके भविष्य के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि अब क्या होगा, वो बेचारे क्या करेंगे। तो सरकार को इसकी तरफ सोचना चाहिए, 2017 से लेकर सोच ही रहे हैं, लेकिन इसके लिए वो कठोर कदम कब उठाएंगे? इस बार उठाया था, कुछ कंट्रोल रूम बनाए गए थे, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे सेंटर्स पे और पूरी पूरी टीम बैठाई गई थी, लेकिन तब भी हो गया ये सब। देखिए छोटे लोगों को बलि का बकरा बनाने से कुछ भी नहीं होगा, जो बड़े बड़े घाग लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, सही तरीके से सत्यता से अगर इसकी जांच की जाए तो इसके अंदर बड़े बड़े लोग निकलेंगे, बड़े बड़े मठाधीश निकलेंगे। अगर इनके ऊपर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होती है तो मैं समझता हूं कि फिर इस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं होगी, लेकिन अगर सरकार सही तरीके से जांच करे तो, अगर लीपापोती करेगी, खानापूर्ति करेगी, तो फिर ये घटनाएं वापस से दोहराई जाएंगी। तो सरकार को इसकी तरफ भी पूरी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा कि इसके अंदर जो भी जिम्मेदार है, चाहे उसकी पकड़ कितनी मजबूत क्यों नहीं हो, उसके ऊपर भी जांच करें, उसके ऊपर अधिकारी बिठाएं और उसको कष्ट सख्त से सजा मिले, तभी इसके ऊपर सही तरीके से कदम उठाया जा सकता, अन्यथा ये प्रक्रियाएं चलती रहेंगी और उत्तर प्रदेश के नौजवानों का, बच्चों का भविष्य का इसी तरीके से अंधकार में होता ही रहेगा। ठीक है, 4 महीने पहले नवंबर में ही अभी टीटी का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस वालों और बाकी सबको एसटीएफ ने उठाया था, कई और बड़े नाम उसमें शामिल आए हुए थे, लेकिन उस मामले में भी अभी तक क्या हुआ, कुछ ज़्यादा चीज़ें निकल कर सामने आई। फिलहाल दिवाकर सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, ये एक बड़ा कलंक है भाई आप लोगों के साथ, जो अभी भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं, 5 साल आप लोगों के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे और होती रही घटनाएं कि लगातार पेपर लीक हुए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे उनके। इस बार यूपी बोर्ड का परीक्षा का पेपर ही लीक हो गया, वो भी तब जब आपके मंत्रियों ने नया नया विभाग संभाला था और एक दिन बाद ही ये सब पूरा कांड हो गया। किसकी आप मानते हैं कि इसमें कमी है और क्या हुआ है अब तक? नितिन जी, इस बारे में हमारे वरिष्ठ नेता माननीय मंत्री जी भी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान लेकर के समुचित कठोर कार्रवाई किए हैं। DIS प्रथमतया जिले का मालिक होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि सारी व्यवस्था को देखें। अब लीक हो गया है,
इस पे जांच हो रही है, जो कठोरतम कार्रवाई होगी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चूंकि हम जब स्वच्छतापूर्ण वातावरण में एग्जाम करा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं हर सेंटर पर, वॉयस सहित लगे हैं, आपको जानकारी है वॉयस सहित भी कैमरे लगे हैं कि आवाज बोल के भी नहीं आप दे पाए ना, नकल विहीन परीक्षा कराने पार्टी की और सरकार की मेन मंशा है जो करा रही है। चूंकि ये घटना हो गई है, घटना हो जाती है तो उसका यही उपाय होता है तुरंत सख्त कार्रवाई करें, दोषी को सजा दें और ऐसी सजा दें कि आगे से कोई जरूरत न करे। सजा का मतलब यही होता है कि एक समाज में संदेश जाए। पिछली जो घटनाएं लीक हुई उस पर भी सरकार ने तुरंत एक्टिव कार्रवाई की, जो लोग संतृप्त रहे उनको आप भी बताए हैं और सारे लोग जानते हैं किसी को बख्शा नहीं गया है। और जब आप स्वच्छतापूर्ण काम करेंगे तो जो कमियां करने वाले व्यक्तिगत रूप से, हम किसी समूह गिरोह की बात नहीं करते हैं, कोई न कोई व्यक्तिगत रूप से इसमें कलंकित है जो सरकार को बदनाम करना चाहता है, उसकी मानसिकता क्या है, वो कर्मचारी है कि ये लोग कौन है, सुने 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 बता रहे हैं, यह जांच का विषय है। उसमें कर्मचारी इन्वॉल्व है कि कहीं बीच में लाइनर इन्वॉल्व है कि कहीं ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, क्या है, इसकी जांच हो रही है और सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन नीतीश जी, ये मैं कहना चाहता हूँ आरोप लगाने वालों से कि जब आप में परीक्षा होती ही नहीं थी, अच्छा केवल रिजल्ट निकलता था और आप आरोप लगा रहे हैं हमको, जहाँ परीक्षाएं हो रही हैं वो भी दौर देखा गया सुना गया है कि केवल रिजल्ट निकलता था, न इंजाम हुआ, न कॉपी हुई, न इंटरव्यू हुआ, रिजल्ट निकल गया, वो लोग भी आरोप लगाए, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती। अखिलेश जी ट्वीट किए हैं कि कम से कम कागज वाला बुलडोजर ही चलवा दो वहाँ पर। नहीं, बुलडोजर तो चल रहा है, बुलडोजर तो आप देख रहे हैं चल रहा है, नहीं तो उनको बुलडोजर से बड़ी समस्या है। बुलडोजर हमारे बाबा का बुलडोजर ही तो कानून व्यवस्था को संभाले हुए, भू माफिया को संभाले हुए, लेकिन परीक्षा माफिया को भी संभालेगा। परीक्षा माफिया पे आप बता रहे हैं, जहां नकल हो रही थी, कल की घटना थी, हम लोग अखबार के माध्यम से देखे हैं, कोई सरकार अपनी घटना को छिपाती, FIR नहीं होने देती। हमारी सरकार FIR पहले करती है और गिरफ्तारी तुरंत करती है, ये छिपाती नहीं है, घटना होनी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी क्या बात जरूरी था कि घटना हो जाए उसको छिपा पे लिपा पोती कर दें, कोई घटना नहीं हुई, FIR तक नहीं होता था। वो लोग भी दिखा रहे हैं आईना वो दिखाए जिसमें सुचता हो। और यही लोग कह रहे हैं कि आप लोग बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ रहे, छोटे छोटे कर्मचारियों बता रहे हैं, कर्मचारी कहीं न कहीं संलिप्त होता है। तो ये लोग क्यों कह रहे हैं जब ये लोग परीक्षा भी नहीं कराते? सुन लीजिए, ये क्या कराते हैं आप जानते हैं, मैं डिटेल में अपनी बात पे आ रहा हूँ। हमारी सरकार में बड़ी मछली या छोटी मछली की परिभाषा नहीं होती है। बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी पे या कोई लाइनर पे या किसी और संस्था पे जो इल्जाम लग रहा है, जो भी दोषी होगा वो सख्त से सख्त कार्रवाई के घेरे में आएगा, उसको तुरंत सजा मिलेगी। और बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है और जो कागज का बुलडोजर कह रहे हैं ना, ये नकल विहीन परीक्षा हो रही है, नकल विहीन रिजल्ट भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं सारे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग नौकरी पा गए जिसकी उम्मीद नहीं करते हैं आप, जो योग्य हैं नौकरी पा गए। अब पहले क्या होता था, सोर्स में नौकरी मिलती थी, रिजल्ट कहीं और बनता था, परीक्षा कहीं और होती थी, वो लोग FIR नहीं करते थे, सारी जानकारी परीक्षा बाद में, आज जांच हो रही है ना। सुभाष जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, आज सुन लीजिए, सुभाष जी बाद में पूछ लेंगे, सुभाष जी का समय मैं इनके बोलने में नहीं बोला हूँ। आपसे एक सवाल खाली पूछ, नहीं मुझसे मत पूछिए, आप सवाल नितिन जी पूछे, आप जवाब दे दीजिएगा। अरे पूछ लेने दीजिए, साथ ही है। नहीं सुन लीजिए, सुभाष जी जब मैं कह रहा हूँ अपनी बात, नहीं सवाल से नहीं बच रहा हूँ, आप हमारी सरकार ने जांच करा करके आपको बता, निगम की भर्तियों को क्या किया, जल निगम की कैंसिल कर दी पूरी, कोऑपरेटिव की भर्तियों को क्या किया, कैंसिल कर दी। नहीं, उसका अप्रिशिएशन है बिल्कुल है कि आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं भी नहीं रुक रही है, ये भी सवाल है। घटनाएं रुकेंगी और इसी तरह इतना कठोर दंड मिलेगा कि अगला बच्चा ऐसे रुकेंगी सर, सुनिए रिकॉर्ड है पूरा 2017 से अभी तक का रिकॉर्ड सुनिए, ये कोई होंगे विशेष करके उन जांच में आएंगे, उनकी ऐसी दुर्दशा होगी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया गैंगस्टर तक की कार्रवाई किया जाएगा ऐसे लोगों पे, और गैंगस्टर की कार्रवाई कैसे हो रही आप देख रहे हैं, गैंगस्टर में क्या क्या हो रहा आप देख रहे हैं। हाँ सुभाष जी पूछना चाह रहे हैं, पूछ सुभाष जी। जवाहर जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि अभी आपने बुलडोजर बाबा की जो बात की, बुलडोजर बाबा की कार्रवाई चल रही है, एक छोटा सवाल है, 2017 के अंदर दरोगा भर्ती का पेपर लीक हो गया, 2018 के अंदर UPSL का पेपर लीक हो गया, इसी प्रकार 2021 तक कई पेपर लीक हुए, लेकिन इसके अंदर जितने भी आरोपी थे अब तक एक भी आरोपी के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? सुन लीजिए, आपके जवाब में जब तक न्यायिक न्याय प्रक्रिया चल रही है, जांच हो रही है, उसके बाद हमारा एक और न्याय प्रक्रिया कोर्ट, उसमें कार्रवाई कोर्ट करती है, अपराधी को
पकड़ने का काम सरकार का, लेकिन सौंपने का काम कोर्ट का, सजा क्या मिलेगी? तो कार्रवाई चल रही है, न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अपना काम कर रही है, इसमें कहीं कुछ नहीं। और आप बता दें, आप दरोगा भर्ती कर रहे हैं, पहले सिपाही की भर्ती कैसे होती थी उस पर तो आप बोले ना। नहीं नहीं, तो फिर आप ये सिपाही नहीं सुनिए, आप ये बोलिए ना कि बुलडोजर बाबा कार्रवाई नहीं करें, फिर आप ये बोलिए न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनकी ऊपर कार्रवाई होगी ना। बुलडोजर बाबा किसको बोलिए? आप दोनों चीज बुलडोजर बाबा को बीच में क्यों लेके आ रहे हैं? नहीं बुलडोजर बाबा से उनका घर तोड़वा दीजिए, उसके अंदर घर कैसे तोड़वा देंगे? जब तक देखिए अपराध जब तक सिद्ध नहीं हो जाता है, कार्यपालिका न्यायपालिका, न्यायपालिका का क्षेत्र होता है कि अपराध में क्या सजा दी जाए, सजा तय करता न्यायपालिका। बिल्कुल, कार्यपालिका जो है अपराधी को कोर्ट तक ले जाती है और कोर्ट तक जाएंगे न्यायपालिका तुरंत उचित सबाज कम समय में सजा देगी और दे रही है। आपको संज्ञान में होना चाहिए, कोई बक्सा नहीं जा रहा है। आज तक जो भी कार्रवाई हो रही है तुरंत वो जेल में जाएंगे और जेल में जो लोग जाएंगे उनके पर सारी धाराएं जो समझी धाराएं लगेंगी। और लेकिन न्यायपालिका काम कोर्ट का है, उनको तो आप न्यायपालिका के ऊपर बोलिए ना, फिर आप सीधा बुलडोजर बाबा का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? नहीं बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा का उल्लेख करना है तो फिर आप सीधे सीधे कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा जो आप जो नकल की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, बुलडोजर बाबा भी तब चलते हैं जब न्यायिक प्रक्रिया से निकल के आता है कि अवैध है, तो उसी चीज को बोलना था, उसी चीज को बोलना था। बुलडोजर बाबा का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी। आप गैंगस्टर के बाद क्या कार्रवाई होती है आपको पता है? गैंगस्टर के बाद जो कार्रवाई होती है, गैंगस्टर लगेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है उस तरह से जांच हो, गैंगस्टर उसके बाद जो कार्रवाई होती है आप जानते हैं कैसे होगी। तो एक दिवाकर एक छोटा सवाल था भी, जो चार साल 2017 से लेकर 2022 तक इसके पहले जो पेपर लीक हुए थे, क्या इनके ऊपर अभी तक गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं हुई? क्या पांच साल लग रहा है उसके अंदर जांच करने के अंदर, यानी कछुए की गति से उसके ऊपर जांच चल रही है? आप तो कहीं ना कहीं क्या जो पेपर लीक करने वालों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? कहीं सत्ता का पांच साल हो गए, सत्ता का संरक्षण किसी को प्राप्त नहीं है गलत काम। तो 2022 इस पेपर लीक को छोड़ दीजिए, पांच साल वाले पेपर लीक के ऊपर आ जाइए, किसके ऊपर कार्रवाई हुई अब तक? सुन लीजिए, कार्रवाई आपको हुई है पता करिए, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए क्या बताइए ना, बताइए और रिकॉर्ड आप ही बताइए। मेरा तो सवाल आपसे बन रहा है, आप बताइए किसके ऊपर कार्रवाई हुई है? जितने इन्वॉल्व थे सबके ऊपर कार्रवाई की गई, वो तो जेल में है और जेल की सजा काट रहे हैं। तो जब कार्रवाई हुई और वो जेल में है तो फिर बुलडोजर क्यों नहीं चला उनके ऊपर? अरे भाई बुलडोजर चलाने की न्यायिक प्रक्रिया होती है, अभी आप बोल रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलेगा, आप बुलडोजर कागज का बुलडोजर बोल रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई वो जेल के अंदर गए, जब जेल के अंदर गए तो फिर बुलडोजर चले? सुन लिए, बुलडोजर का जेल में चलेगा, अब बुलडोजर घर पे चले ना, क्यों क्यों जिस तरीके से दूसरे घर तोड़े जा रहे हैं बुलडोजर चलना चाहिए उनके ऊपर? उनकी प्रक्रिया आएगी, उनकी जांच होगी, उनकी संपत्ति की भी जांच होती है और संपत्ति की जांच, सब दोनों बात बोल रहे हैं, नहीं दोनों बात बोल रहे हैं आप, दोनों बात दिवाकर जी आप दोनों बात बोल रहे हैं। देखिए अपराध अलग है, यह अपराध अलग है, यह संगीन अपराध भी है, वो भी संगीन अपराध, लेकिन अपराध की वैरायटी अलग अलग है। किसी के भविष्य की हत्या कर दी जाए, इससे बड़ा, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? नितिन जी बताइए, किसी के भविष्य की हत्या कर दी जाए, इससे बड़ा कोई अपराध है? आप सुन लिए, कौन उसका जीवन शुरू नहीं हुआ, समाप्त कर दिया गया, बताइए। आप भविष्य बनाते थे फर्जी लोगों का, हम तो सही लोगों का। अरे आप कम से कम पेपर ही लीक करा रहे हैं, यही भविष्य सही कर दीजिए, सही लोग नहीं हो। पेपर की परीक्षा पूरे पांच साल कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं बची भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो लीक नहीं हुई। अरे हमारे यहाँ नहीं होती थी परीक्षा, नहीं होती थी हमारे यहाँ हो रही है। जय जनपद नहीं लीक नहीं करा रहे, मेरे नहीं होती आप स्वीकारेंगे? हम नहीं करा, लीक करा, हमारे जो दोषियों को सजा मिलेगी? आप आरोप नहीं, हमारे यहाँ जो काम हो रहा सही हो रहा, आरोप आप लगाते हैं। आईना कौन सा होता है आपका, बता दिया गया, कोई बात आपकी अथेंटिक नहीं है। आप रूप में जनता जानते हैं हम क्या करते हैं, कठोर कार्रवाई जानती है, जनता जानती है क्या हो रहा है, आप कहाँ हैं? कठोर कार्रवाई आप में तो कार्रवाई होती ही नहीं थी, कार्रवाई तो हमें होती नहीं थी, हमारे तो कार्रवाई हो रही है। आप ऐसा है जो गलत मानसिकता के हैं, चोर हैं, उनके पर सही कार्रवाई होगी आज ये कार्य को देखने को, और आगे ऐसी घटना ही नहीं होगी। सरकार पूरी तरह सक्षम है, पांच साल आप पूरे पांच साल नहीं, आगे घटना ही नहीं होगी। पांच साल बीत गए, जनता ने फिर गलत मानसिकता के जो लोग हैं, फिर आपको गलत मानसिकता के जो लोग हैं आप लोगों को दंडित किया जा रहा है, फिर भी आप झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। गलत आरोप, आपने आरोप बनता ही नहीं था। ये आरोप सामने है, सरकार में दम है, हुआ कि नहीं हुआ, हमारी सरकार में दम है कि अपने तुरंत लीक हुआ, तुरंत कार्रवाई की, आपके यहाँ तो दबा दिया जाता, कैसा कुछ हुआ नहीं? आप चलिए उजागर करिए, क्या उजागर तो है, पेपर लीक हुए आपके पूरे, अरे मान तो रहे हैं, सारे पेपर लीक हुए, नहीं कोई सारे पेपर नहीं लीक हुए, डेटा है, चार परीक्षा हुई, लीक हुआ 2018 में, लीक हुआ 2019 में, लीक हुआ 2021 में, कुछ जनपदों में हुई है, इसमें फिर लीक हो गया, कुछ जनपदों में हुई है। अरे अभी आप गलत आरोप लगा रहे हैं, कुछ जनपद में हुआ है, कुछ जनपद तय करिए, अरे एकदम तय है, सीरीज तय है, जहाँ जहाँ गया पेपर, ये सरकार स्वीकार की, क्या देखिए
हमारी सरकार परीक्षाएं वहाँ लीक नहीं हुआ है, वहाँ एकदम लीक नहीं हुआ, इस बात की गारंटी है। हमारा प्रशासन लगा हुआ है, सारी चीजें लगी हुई है, प्रशासन लगा था, जहाँ लगा है वहाँ प्रशासन नहीं था, जहाँ प्रशासन लगा तब बनाया थी, वहाँ स्टीयर नहीं थी, प्रशासन लगा तब बनाया, छूट दे रखी थी इंजीनियरों ने, प्रशासन लगा था नहीं जा सके, तब प्रशासन सक्रिय हुआ, नहीं था क्या प्रशासन, सरकार का है तो क्या इन जिलों में प्रशासन काम नहीं कर रहा, तब पकड़ा है आपके यहाँ, तो प्रशासन काम नहीं कर पकड़ा है, नहीं लीक होने के बाद पकड़ा, फिलहाल ठीक है, लीक होने के पहले पकड़ा, लीक होने से पहले कैसे पकड़ में आएगा, घटना होगी तब ना पकड़ा जाएगा, ऐसा कौन अगम जाने के लीक होने वाला है, ये तो पुराणों में क्या करती है सर, क्या बात कर रहे हैं आप, पहले हमसे अरे बहुत जानकारी है, एलआई बनी है तब ने पकड़ी, एलआई तो एलआई इसलिए लगाई जाती है, अगर कहीं पे कोई वीवीआईपी जाता है एलआई क्यों लगाई जाती है, किसी तरह की कोई घटना ना हो पाए, घटना नहीं होनी चाहिए, बात कर रहे हैं सर, नहीं होनी चाहिए, आप तो सीनियर है हमसे, अरे सीनियर है लेकिन आप बात तो सुनेंगे, घटना हो गई उसकी जांच हो रही है, हम नहीं करें घटना नहीं, घटना हुई हमने छिपाया नहीं, हमारी सरकार ने, क्यों नहीं चेते हमारी सर? सरकार नहीं छिपाई, मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये कि आप पांच साल क्यों नहीं चेते, पांच साल आपके हर नए साल में एक घटना होती रही, सरकार काम करे और आगे भी काम करेगी, और ऐसी कड़ा होने पाए ऐसी कड़ी सजा दी जाएगी, ऐसी कड़ी सजा दी जाएगी, फिर आगे ये पूरे पांच साल आपने कहा है, ये पूरे पांच साल कहा आपने, दिखाया, अगर दिखाया होता तो आज ये ना होता, अगर दिखाया होता तो आप रहते तो क्या कर लेते, इसके अलावा आप क्या कर लेते, हमने कुछ नहीं कर पाते, जनता ने हमें सत्ता से दूर किया, दूर किया, आपने विश्वास किया तो आपने क्यों किया, हम सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, वॉइस लगाए हैं, सारे प्रशासन के अंग लगे हुए हैं, घटना हो गई, अरे घटना हो गई, अरे भाई घटना, अच्छा आप जाते हैं एक्सीडेंट होगा तो इसका तो हो गया की घटना पूरे पांच साल हर साल नहीं नहीं, नहीं ये एक्सीडेंटल घटना है, एक्सीडेंटल घटना प्लानिंग घटना नहीं, एक्सीडेंटल नहीं कर सकते, एक्सीडेंटल पांच साल कहीं प्लानिंग की घटना नहीं है, लीक होती रही है सर, नहीं नहीं लीक कोई लीक हुई तो उसको कैंसिल किया फिर दोबारा कराया, ठीक है प्लीज प्लीज आप लोग का हो गया, मैं बाकी मेहमानों के पास चलूंगा, प्रीतपाल जी एक्सीडेंटल घटना है दिवाकर जी कह रहे हैं, ऐसा अचानक से हो गया, क्या ऐसा हो सकता है, मुझे तो हंसी आ रही है कि बार बार ये कह रहे हैं बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर हमेशा ध्वस्त करने का काम करता है, जमीन खोदने का काम करता है, कभी स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकता, एक अच्छा स्ट्रक्चर वही खड़ा कर सकता है जो जिसके पास दिमाग हो, मनीष सिसोदिया दिल्ली के अंदर स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, वो सरकारी अस्पतालों को सरकारी स्कूलों को खड़ा कर रहा है, आप उनसे कुछ सीख लो यार, क्या दिक्कत है, राष्ट्रीय स्तर बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा खड़ा कर दिया, आप सरकार में आ गए हैं, 32 नंबर पे आए हैं, सरकार में आने के बाद दिवाकर जी वही रोना रोए के करने वाला नहीं है, अभी आ जाए कि न्यूज़ एक 32वां रेटिंग, अरे दिवाकर जी सरकारी स्कूल, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, आप दूसरे दिन आप बोलेंगे, आरोप लगाएंगे, सुनेंगे, मैंने तो दिवाकर जी आप अपने समय में पहली बात बोलिएगा, दूसरी बात आपने जो अजनी बातें बोली हैं इसमें उन बच्चों उन लाखों बच्चों की क्या गलती है ये बता दीजिए, पांच साल से आप लगातार जितने भी दर्जनों आपने एग्जामिनेशन लिए सारे वो लगभग लगभग सबके पेपर लीक हुए हैं, उसमें एक अदना सा एग्जाम्पल आपकी बुलडोजर बाबा की सरकार ने पेश किया, क्या एक अदने से किसी अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त किया गया, समझ में ही आ रहा है, 2017 में जो पेपर लीक करता है वो 2022 में भी पेपर लीक कर रहा है, उसी व्यक्ति को वही जिम्मेवारी दी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी एक अनुभवहीन पार्टी है ये साबित हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए तो बहुत अच्छी है, चुनाव में उतर के वोट ले सकती है, सरकार बना सकती है, सरकार चलाने की कार्य क्षमता इनके पास नहीं है ये साबित हो चुका है, लोग घर में डरने लगे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने से नकारने लगे हैं, पढ़ के बेटा करोगे क्या, पेपर तो तुम्हारा लीक हो जाएगा, सोशल मीडिया पे तो मजाक बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का इस बात पे लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पेपर लीक होता है, आप कह रहे हैं भैया उसने वो गलती की, कार्रवाई हो रही है, आप ऐसा काम क्यों कर, हमने भी तो हमको भी सत्ता चलाते चलाते 7 साल हो गए दिल्ली के अंदर एक पेपर लीक नहीं हुआ वहां पे दिल्ली में, क्योंकि तो वहां सरकार जो है क्षमतावान सरकार है, वो नीचे से लेकर ऊपर तक अपने आप को चुस्त और दुरुस्त करके काम करती है, एक ही महानगर के बराबर के आप आबादी वाले हैं, आप बताएंगे इतने बड़े प्रदेश को संभालते समझ में आता, अरे दिवाकर घर संभालते हैं आप, 24 करोड़ की बात कर रहे हैं, दिल्ली में 2 करोड़ आबादी है, यहाँ पे 24 करोड़ आबादी है, वही तो क्या बाबा जी घंटा बजाएंगे, 12 गुना आबादी है और जिसने गलती किया उसको सजा दी जा रही है, इसमें आप कौन सा आरोप लगा रहे हैं, कोई आरोप में दम क्या, मजाक बना रहे हो भाई, अरे मजाक नहीं है, सरकार सोचता प्रमाण चल रही है, किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, आप अपनी गलती को मानो यार, गलती तो सरकार तुरंत मान ली के एफआईआर करा दी, आप गलती तो सरकार ने तुरंत अधिकारियों को मारे, तुरंत एफआईआर के तुरंत जांच बैठ गई, इससे बड़ी गलती और क्या मानेगी सरकार, के साथ खिलवाड़ है, कहीं सरकार छिपाती नहीं है, या सरकार अगर हो गया अपराध तो उसकी तुरंत एफआईआर होती है, आज के दौर में
आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी का पाप छुप जाएगा? आज सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल का जमाना है, हर दो मिनट में एक मिनट में सारी बातें बाहर आ जाती है। अभी कोई बात होगी तुरंत ब्रेकिंग न्यूज चलने लगेगी, अभी आपके शब्द अब शब्द में बदल जाएंगे, यही चैनल ब्रेकिंग न्यूज चलाने लगेंगे। आज के जमाने में कुछ छुपने वाला नहीं है, सारा पाप जो था पिछले पांच साल का वो भी जनता के बीच में था। अभी शुरुआत हुई है, कम से कम पाप जो कर चुके उसको धो तो गंगा जल में ले जाकर, बाद गंगा के शरण में जाकर उसको पाप उस पाप को धो लो, आगे कम से कम चलिए आप गंगा जल की बात कर लिए ना, इतना मान ले गंगा जल पवित्र होता है, सिसोदिया से कुछ जानकारी ले लो, अरविंद केजरीवाल को बुला के अपनी सत्ता चला लो, आप हमको एक पेपर करने का इजाजत दे दो, बुला लो मनीष सिसोदिया को, पेपर अच्छा करके दिखा देगा आपको उत्तर प्रदेश का। हाँ रेटिंग आपके स्कूल की आ गई है, रेटिंग आपकी देख लिया, क्या करते हैं? अरे आप अपने सरकार की कमियों को छिपाते हैं, हमारी सरकार की जो कमियां उसको हम छिपाते नहीं है, आपके आप सरकार की कमियों को छिपाते हैं जो सोशल मीडिया में नहीं आता है, और हमारी सरकार किसी भी अपराध को छिपाते नहीं है। आप अपनी बात करिए, सरकार चलाना आपके बस का नहीं है, आपके तो पेपर लीक हो रहा है, बोर्ड का पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हुआ तुरंत कार्रवाई हो रही है, इसको हमने छिपाया, हमारी सरकार ने छिपाया नहीं, पेपर लीक हो रहा है, छिपाया नहीं सरकार ने, पेपर लिखा तुरंत कार्रवाई कर रही है जनता से, और उचित जांच हो रही है, अपनी गलतियों की माफी मांगी, और परीक्षा की डेट भी तुरंत दे दी गई कि इस दिन परीक्षा हम करा देंगे 13 अप्रैल को। सरकार की लीपा पोती मत कीजिए, लीपा पोती सरकार नहीं करती है, सरकार जांच कराती है, दोषी को सजा देती है। कोई मुख्यमंत्री सीधे संज्ञान नहीं लेता है, हमारे मुख्यमंत्री महाराज ने सीधे संज्ञान लिया और टॉप सीएस की मीटिंग बुलाई, सारे डीएम के जिले अटैच हैं, मीटिंग हो भी रही है, बुलडोजर चला, बुलडोजर सब पे नहीं चलता है, जांच की प्रक्रिया है, बुलडोजर सब पे चलता है, जहां चलना होगा वहां चलेगा, ठीक है। विपक्ष इस बार चुप नहीं रहने वाला, नितिन जी इसे बता दीजिए जी, इनकी एक गलती पे हम जनता की आवाज बनेंगे और सड़कों पे उतरेंगे, ये बुलडोजर बुलडोजर का खेल बंद कीजिए, अच्छी सरकार बनिए, पढ़ी लिखी सरकार बनिए, लोग आप पे बहुत आस रखकर आपको वोट दिया था उन्होंने, आपकी सरकार दोबारा बनाई है। उन लाभार्थियों के घर देखिए, उनके घर में दीपक चल रहा है, लाभार्थियों घर देखिए जिनके भूखे भूखे नहीं है, इतनी बड़ी व्यवस्था तो चला रहे सरकार, आप परीक्षा की बात कर रहे हैं, परीक्षा की सुविधापूर्ण हो रही बात, आप देख लीजिए इतने बड़े पैमाने सीसीटीवी, इतने बड़े पैमाने पर सारी फोर्सें तुरंत लगी हुई है, आप क्या बताएंगे? छोटा सा प्रदेश चलाने चला लीजिए, वो भी क्या आपका स्तर है, 3200 नंबर पे रेटिंग आ गई, उत्तर प्रदेश आपसे बहुत आगे, मौका मत दीजिए, हाथ जोड़ के बेनती है आपको, जनता ने मौका दिया है, पांच साल अच्छे कार्य, जनता अच्छे कार्य कर रही है, जनता का ही कार्य हो रहा, कोई अपराधी नहीं बचेगा, कोई अपराधी नहीं बचेगा, और कोई गलत आदमी काम नहीं गलत कर पाएगा। एग्जामिनेशन का पर्चा लीक हो रहा है, आप जनता का कार्य बता रहे हो, क्या पर्चा लीक हो गया? लड़कों को तुरंत परीक्षा दिलाई जाएगी, 13 अप्रैल को डेट आ गई, तुरंत डेट आ गई, आप तैयारी करके आइए, परीक्षा दीजिए। 24 जनपदों में आपने एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया, गलती आपकी, झेले बच्चे, अरे बच्चे हैं हमारे, बच्चे हैं, सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं, बच्चों का कई विरोध नहीं आया, विरोध दर्द आपको हो रहा है, बच्चों का कोई दर्द नहीं आया है, बच्चे तो परीक्षा देने के लिए पढ़े लिखे परीक्षा दे रहे हैं, अरे आज नहीं देंगे 13 अप्रैल को दे देंगे, जो तैयारी करके आए सही ढंग से दे देंगे, क्या बात है, क्या बात है, बच्चे बच्चे नहीं इसमें दर्द में है, बच्चे एक दिन आए उनके साथ हमारी सिंपैथी है, परीक्षा लीक हो गई, कोई गलत आदमी पास नहीं होगा, जो पढ़े लिखे वही पास होगा, बच्चे इसमें खुश हैं, गड़बड़ पाई जाती है तो वहाँ का चुनाव रद्द कराते हो, कहीं सड़कों पे उतरो इस बात के लिए, वहाँ बुलडोजर चला कहीं बाबा का, बाबा का बुलडोजर आके देख लीजिए कहाँ कहाँ चल रहा है, बाबा का बुलडोजर रोज चल रहा है, बाबा का बुलडोजर रोज चल रहा है, आम आदमी पार्टी यहाँ पे भी आएगी, जैसे पंजाब में चला रही है ना शासन, ठीक है, चलिए सपना देखिए, मुंगेरी लाल का सपना देखिए, चलिए कोई बात नहीं, डीपी यादव से सपना नहीं था, ये जनता तय करेगी, जनता तय कर दी, कहीं आप आए नहीं घर में, अच्छी सरकार चलाइए, छोटे छोटे दल नहीं कहीं आए, सीधे सीधे सरकार में पक्ष और विपक्ष आई है, डीपी यादव से जुड़े हुए, डीपी भाई दिवाकर जी कह रहे हैं कि जब आप लोग सरकार में होते थे तब परीक्षा ही नहीं होती थी, अब तो हमारे परीक्षा भी करा रहे हैं, चलो एक दो घटना हो गई तो एक्सीडेंटल हो गई, उस पर इतना नहीं करना, परीक्षा तो फिर से होने वाली, 13 अप्रैल को बच्चे आएंगे परीक्षा दे लेंगे, तो इतना विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? अरे दिवाकर भाई से कहिए कि आदि काल से लेकर के परीक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ही परीक्षा नाम की एक चीज आई है। चलिए आपने स्वीकार कर लिया, इसके लिए धन्यवाद, सामना कर रहा है, आपने स्वीकार कर लिया कि हमारे साथ परीक्षा नहीं होती थी, धन्यवाद, जान लीजिए नितिन जी, और दिवाकर जी ये कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं,
कि परीक्षार्थी बहुत खुश है, बच्चे बहुत खुश है, ये खुश मैंने नहीं कहा, दुखद और दुर्भाग्य नहीं, खुश मैंने नहीं कहा, आप अपनी बात पे आइए, मैंने खुश नहीं कहा, हम कहें बच्चों में निराशा है, लेकिन ऐसा ऐसा खुश की बात हटाइए, खुश मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि बच्चे विरोध नहीं कर रहे, बच्चे कोई विरोध नहीं कर रहे हैं कि भाई ठीक है हम अगली बार परीक्षा देंगे, सरकार का सहयोग कर रहे हैं। देखिए घटना होने के बाद तुरंत जांच हो जाती है, सभी लोग कहते हैं सरकार का सहयोग करते हैं, नहीं होती जाँच तब बच्चे विरोध करते हैं। आप लोगों ने तहस नहस कर दिया शिक्षा व्यवस्था का और रोजगार व्यवस्था का, केवल 5 किलो अनाज पर ले आना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को। हाँ, नौकरी आप दिए हैं, नौकरी आप दिए हैं, रोजगार आप दिए हैं, कि ना परीक्षा हो। अरे आप क्या बोलेंगे, आप तो यार खुदा नहीं कौन सी पार्टी है क्या है, आप क्या बोलेंगे, अभी तो आपका दल है, दल बताइए कौन सा है, बात कर रहे हैं आप सपा में है कि प्रसपा में, पहले ये तो क्लियर हो जाइए। दिवाकर जी कह रहे पहले ये क्लियर कर दो आप कि सपा में हो कि प्रसपा में हो। नहीं अरे इनको क्यों कष्ट हो रहा है, मैं यहाँ प्रगत सिंह समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, डीपी यादव नाम है, अगर ये पढ़े लिखे हो तो देख ले स्क्रीन पर आ रहा होगा इनके, और आपने भी पहले बता दिया हो, तो इतना कंफ्यूजन में क्यों रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, नहीं रहे आपके बड़े नेताओं का बयान आया है, पेपर आउट करा करके ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं, पेपर आउट कराया नहीं जाता, सरकार उसकी जांच कराई जो गलती किया है, आप पहले इस दिमाग को हटाइए, आपने पेपर आउट कराया जाता था, परीक्षा नहीं कराई जाती थी, आपने मोनोपाली थी, आप क्या रिजल्ट आता था, नकारात्मक रवैये के कारण माफियाओं के, नकल माफियाओं के, इसीलिए आरोप लगा रहे हैं, डर नाम की चीज उनके अंदर रही नहीं गई है, वो परीक्षा दर परीक्षा जो भी परीक्षा आती है ले जाओ, अब बताइए 500 रुपए में मिल रहा है, इंटरमीडिएट की ये औकात हो गई है कि अंग्रेजी का पेपर आज 500 रुपए में बिकाऊ है, ले लो खरीद लो भाई, जाओ तुम भी साफ करके दे दो वहां एग्जाम, क्या मजाक दिया, जब जेल में जाएंगे तो उनको 500 रुपए का पता चलेगा, घबराइए मत, कौन कौन लोग आ जाएंगे निकल के, कौन सा बात चल रही है, तुरंत हो रही है, तुरंत गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी आज हो गई, आप पता करिए, गिरफ्तारी आज हो गई, गिरफ्तारी आज हो गई, आज ही गिरफ्तारी हो गई, परीक्षाओं जो नकल माफिया है, शिक्षा माफिया है, उनके हौसले इतने बुलंद है कि परीक्षा दर परीक्षा वो अपना पेपर आउट कर रहे हैं, सरकार को जो कर रहा है वो कर ले, डंके की चोट पर वो कर रहे हैं। ठीक है सुभाष जी, नितिन जी मैं भी इन लोगों की जो वार्ता चल रही थी इसको देख के थोड़ी सी मेरे को हंसी भी आई, क्योंकि इसके पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई शरीफ हाशमी जी ने भी ये बोला कि हम मान रहे हैं कि हमारे कार्यकाल के अंदर नकल होती थी, और अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डीपी यादव भाई ने बोला कि हाँ हमारे टाइम पे तो परीक्षा नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ परीक्षा नाम की कोई चीज नहीं होती, आपने बोला अभी, आपने बोला अभी, सुनिए सुनिए, आपने बोला अभी, इन्होंने बोला परीक्षा करा रहे हैं, तो मैंने ये कहा कि आदिकाल से यही परीक्षा करा रहे हैं, कोई परीक्षा, आपने अभी ऑन रिकॉर्ड बोला प्राइम टीवी के चैनल के ऊपर बोला, और लाखों दर्शक इसको देख रहे हैं, आपने खुद बोला कि हमारे टाइम पे परीक्षा नाम की कोई चीज ही नहीं थी, आपने बोला, ये डिबेट खत्म होने के बाद में आप इस वीडियो को देखिएगा, इस डिबेट को देखिएगा, उत्तेजित ना हो, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं डीपी यादव जी, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, डिबेट खत्म होने के बाद, डिबेट खत्म होने के बाद में इस वीडियो को फिर इत्मीनान से ठंडे दिमाग से देखिएगा कि आपने इन शब्दों का प्रयोग किया भी नहीं किया, आप जब बोल रहे हो कि आपके टाइम पे परीक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी, तो आप भी तो उत्तर प्रदेश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, तो आप कौन से दूध के दूल्हे हैं, आप पहले तो ये देखिए, मैं स्वीकारता हूँ, आप बताओ क्या क्या कर रहे हो, आपने स्वीकार कर लिया तो कहीं ना कहीं ये भी चीज आ गई ना, आप बताइए भाई, मैं अच्छा नहीं था, जनता ने हमें वोट दिया, आप अच्छे थे, आप क्या कर रहे हो, गरीब जी, घटना की जांच कराई, तुरंत कार्रवाई कराई, तुरंत जांच बैठा दी, तुरंत डीआईएस जो संबंधित सस्पेंड कर दिया, लोगों की बारी हो गई ना, बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए, शरीफ भाई आपने यही चीज बोली कि हाँ हमने मान लिया कि हमारे टाइम पे नकल होती थी, आप अभी फिर उस बात को रिपीट कर रहे हैं,
वही चीज आपके सहकारी आपके सहयोगी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के डीपी यादव ने बोली कि हमारे टाइम पे परीक्षा नाम की कोई चीज नहीं होती थी। तो जब आप जो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि पेपर लीक हो रहे हैं और ये छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ कर रही है, तो 2012 से लेकर 2017 के अंदर अगर आप परीक्षा नाम की कोई चीज रखी नहीं रहे थे तो आप भी तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ ही कर रहे थे। तो आप सुन लीजिए, सुनते मेरी बात पहले खत्म हो जाए फिर आप बोलिएगा, आपको बोलने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप भी तो छात्रों के भविष्य खिलवाड़ कर रहे थे। दूसरा नितिन जी, मैं प्रीतपाल सिंह जी की जो बात थी उसमें सक्षम नहीं हूं या बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने एक बात बोली थी कि आपके बाबा जी का घंटा बजा रहे हैं। तो प्रीतपाल सिंह जी, आप एक सम्मानित पार्टी के प्रवक्ता हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य राजनीतिक दृष्टि से और उसके एक संवैधानिक पद पर निर्वाचित हुए जनता के जनादेश से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो उनके साथ इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें कि बाबा जी घंटा बजाएंगे। ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, विशेषकर विशेषकर आपसे ये उम्मीद नहीं है। दूसरा मानसिक स्थिति है, दिवाकर जी, दूसरा ये आप जो बार बार दिल्ली का उल्लेख कर रहे हैं, अरे दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है और उसके बावजूद भी अगर आपकी रैंकिंग 32 नंबर पे आती है तो आप अपनी पीठ थपथपा नहीं सकते। आपको भी कहीं ना कहीं उसके अंदर झांकने की आवश्यकता है। आईना दिखाना बड़ा ही आसान होता है लेकिन उस चीज को देखना भी चाहिए। बजाते थे, मैं गलत क्या कहा मैंने कि बाबा जी खाली घंटा बजाने योग्य है, खाली मंदिर में पूजन करने योग्य है? तो आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए, संवैधानिक पद पे बैठे मुख्यमंत्री को शब्दों का प्रयोग करेंगे आप? पिछले 5 साल में इन शब्दों का प्रयोग करेंगे आप कि 14 आप बताइए बाबा जी घंटा बजाएंगे इसका मतलब वो संवैधानिक पद पर निर्वाचित हुए जनता के जनादेश से मुख्यमंत्री बने हुए, आप उनको बोलेंगे बाबा जी घंटा बजाएंगे? ये आपको शोभा देता है? आपको शोभा देता है इस तरह केजरीवाल जी के अगले शब्द का प्रयोग किया जाए कि नौकरी आदमी जाकर नौकरी बजाए तो शोभा देगा आपको? केजरीवाल आपको शोभा देगा? आपके मुख्यमंत्री को अगर ये बोला जाए कि वो नौकरशाह आदमी था, वो जाके किसी की नौकरी करे, वो जाके किसी की गुलामी करे, तो क्या आपको शोभा देगा? आपको शोभा देगा? वो संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए आप योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के ऊपर असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, घंटा बजाएंगे? ये आपको शोभा देता है? शर्म करनी चाहिए, शब्दों की मर्यादा मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप ठीक है लेकिन संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, आपके शब्द बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, शब्दों की मर्यादा का बिल्कुल ध्यान रखिए, बिल्कुल नहीं। 22 करोड़ जनता चुन के भेजी है, आप उनकी डिग्री और उनकी कैलिबर को बताएंगे? आप कहीं कुछ है नहीं और उनकी कैलिबर को जनता तय कर लिया आप तय करेंगे? अरे आप जो है उलझलूल हरकतें करते हैं, जो करते हैं करते रहिए, अगर आरोप मैं लगा दूं तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आपको आरोप लगा दूं अभी बर्दाश्त नहीं, बन जाएंगे मुख्यमंत्री पे होगा। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का पंजाब के मुख्यमंत्री पे जो आरोप लगा दे, पेपर दिखाई दे रहा है प्रशासन का, पंजाब के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है, उसको आप छोड़ दीजिए। वो चीज तो छोड़ दीजिए, भगवंत मान जी संपत्ति थी क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री है, उनके कार्यालय के अंदर देखिए भीमराव अंबेडकर जी का फोटो है और महात्मा गांधी का फोटो इन्होंने हटा दिया, जबकि उसी महात्मा गांधी की बात करते हैं। हम ये नहीं बोलते आजाद भगत सिंह हम सम्मान नहीं करते, बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान क्यों करते हैं ये लोग? फोटो लगाने का परंपरा चल रही है, कुछ कार्टून देख लीजिए, कौन सी परिपाटी की तरफ बढ़ रहे हैं, शब्दों की मर्यादा का ध्यान है? भगवान मान सिंह क्या करते थे और प्रशासन क्या करता था, ये सब बातें हटाइए और करिए। जाना चाहते हैं हम नहीं जाना चाहते हैं आपका प्रति, आप जैसे संकेत नहीं है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बन गया, रैंकिंग देख लीजिए, 70-72 योजना में नंबर 1 पे चल रहा है, 100 योजना में आप क्या बात करेंगे 35वें नंबर वाले? अरे भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, दिल्ली में चुनाव करवा दो एमसीडी का, पत्ता साफ हो जाएगा, है नरेंद्र मोदी जी में ताकत? मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ आपको, कराओ एमसीडी चुनाव, अगर हम हार गए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। और बताइए, चलिए हारे भी हैं, हिम्मत करानी, हारे भी हैं, घबराइए मत, फिर हारेंगे, घबराइए मत, इतना चैलेंज घबराने वाले नहीं हारे हैं, प्लीज एमसीडी हारे हैं, आप हारे हैं और फिर हारेंगे भारतीय को, और 1 लाख आम आदमी पार्टी देश में बहुत प्रीतपाल जी, प्लीज प्रीतपाल जी, मैं आ रहा हूँ, प्रीतपाल जी प्रीतपाल जी मैं आ रहा हूँ, डीपी भाई सुनो, हाँ डीपी भाई, वित्त मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है उसमें प्रत्येक देशवासी को इन्होंने 1 लाख कर्जे में डुबो दिया है अभी, तो ये क्या बातें कर रहे हैं, कौन से रिपोर्ट की बातें कर रहे हैं? हंगर इंडेक्स में देश को कितने पायदान पीछे गति दिया इन्होंने, हेल्थ इंडेक्स में कहां पे देश को
उखाड़ फेंकना भी जनता जानती है। आपके पुराने अपराधों को बेबचा, उस पुराने अपराधों के कार्रवाई पे जो नहीं हुई है, पुराने अपराधों की जो आपकी लिस्ट है उस पे अभी हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। पुराने अपराध आप जिसके साथ थे और जो सुचिता नहीं सरकार में नहीं होता है कहीं नहीं घूमते हैं। हारने लगते हैं तो ये बताते हैं आपके पुराने अपराध, पुराना इतिहास। अरे दिवाकर जी बात सत्य की करिए, बात बात आप स्वीकार करिए। सरकार काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, भविष्य ही सुरक्षित है। आज नौकरी ऐसे लड़कों को मिले जो योग्य हैं। आप क्या सिफारिश की नौकरी में आपको एकदम उज्ज्वल है, सुस्ती पर परीक्षा हो रही है, सुचितापूर्वक परीक्षा हो रही है। गलत हुआ है तो कहीं छोटी नौकरी पाएगा, कोई बात नहीं हुई है। इसी साल परीक्षा हो रही है, इसी साल परीक्षा हो रही है, उनसे बात कर रहा है। 13 तारीख को परीक्षा होने जा रही है, 13 तारीख को परीक्षा होने जा रहे हैं। परीक्षा का रिजल्ट साथ क्या गारंटी वाली नहीं होगा, एकदम नहीं लीक होगा, मजाल नहीं है लीक होगा, गारंटी लिख के दीजिए नहीं होगा। अरे कैसे नहीं लीक होगा, गारंटी तुम्हारी सरकार दे रही है अपनी सुचितापूर्ण कार्रवाई। ठीक है प्लीज 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 ठीक है। सुभाष जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं इस डिबेट को खत्म। नितिन जी मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि पूरे एक घंटे के डिबेट के अंदर जो सार निकला, जो निचोड़ निकला कि चोर चोर मौसेरे भाई, एक दूसरे पर आरोप, एक दूसरे के कामों को गिनाते बिल्कुल बिल्कुल। इनके यहाँ पेपर लीक हो रहा, चलो ठीक है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे विपक्षी लोग, इन्होंने सीधे सीधे परीक्षा के नाम की चीज को नकार दिया और पेपर जो इनके यहाँ नकल होती है उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट उल्लेख करता है कि ये लोग दोनों लोग चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे प्रगति से समाजवादी पार्टी हो, ये लोग भी 2012 से लेकर 2017 तक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और ये आज दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। ये लोग खुद वही कार्रवाई करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं, तो ये भी करप्ट है। ठीक है प्लीज, ठीक है परीक्षा पेपर ठीक है। समय कम है मेरे पास। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम करना जैसे ही शुरू किया, नकल माफियाओं ने उन्हें एक बड़ी जो सलामी है वो दे दी है, ऐसा लगातार लोग कह रहे हैं। और यूपी बोर्ड की परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो गया। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि आने वाली 13 अप्रैल को एक बार फिर से इस परीक्षा को आयोजित कराया जाएगा और बच्चे इस परीक्षा को देंगे। लेकिन सरकार के सामने चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है या बोर्ड के जो एग्जाम है इनको सही तरीके से कराया जाए, नकल विहीन कराया जाए। और सबसे अहम चुनौती ये है कि आने वाले 5 सालों में अब कोई घटना पेपर लीक की ना हो, क्योंकि इससे एक बड़ा भविष्य उत्तर प्रदेश का भी जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश में युवाओं का भी जुड़ा हुआ है जो उत्तर प्रदेश में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।